इलाज का है। यू नो इतना दर्द हो रहा है भाई साहब, दर्द हो रहा है ज्यादा, जल्दी मारो। मर्द को भी दर्द नहीं होता, मर्द को भी दर्द होता है, जल्दी मारो जे, जो बीमार हो जाए। और तोड़ोगे ना, इसको एक्सरसाइज करवा रहे हैं, इसको एक्सरसाइज बता रहे हैं। जी क्यों खाम का इसका, और कितने कितने और दूर से कितने, बिना एक्सरसाइज ये ठीक नहीं होगा, इसका कमर का दर्द, दोनों टांगे बेकार हो जाएंगी। पहले आपने चेक कर लिया कि नहीं कौन सी एक्सरसाइज होगी? हाँ जी, L4-5 के अंदर नुक्स है, उसके बाबत ये करवा रहे हैं हम एक्सरसाइज। तो ठीक है, हमने सोचा माँ के बताऊँ, पड़ोसियाँ फोन आने लग रहे थे, बाइकिल की थोड़ी आराम तो मारे कर। वैद्य जी सुनो मेरी बात, एक बार होगी इसकी एक्सरसाइज पूरी? इसको एक्सरसाइज करवा रहे हैं। अच्छा, इनका भी हो गया इलाज। बताऊँ मारा दो पड़ोसियों के फोन आएंगे। अच्छा अच्छा, नुकहा इस घर में तो किल्कियाँ गया था, किल्की जिसको दर्द होगा उसको किल्की तो मारेगा ये, क्योंकि हमने तो सोचा देखिए 5 साल से इसको प्रॉब्लम है, ये डिस्क की 5 साल तक किल्की मार रही हूँ। हाँ जी, 5 साल से हो गया, सभी अस्पतालों में घूम चुका है, मारा तो दवाइयाँ खा चुका है। मारा तो मेरा क्यों यार, ये देखिए कैमरामैन थी को दिखाई भाई ऊपर, ये देखो हाई टेंशन वायर, मारा तो नहीं हो गया, महाले कोई इन तारा के चपेट में आ गया। और इस चक्कर में इसको डिस्क में समस्या है, L4-5 के अंदर नुक्स है, उसकी वजह से इसकी नसें खिंचाव होता है। आपकी शक्ल का एक रोहतक देखे हमने, तो रोहतक में भी मैं रहता हूँ, रोहतक मैंने अच्छा डबल रोल हो गया। क्या नाम है जी? मेरा श्याम सुंदर। श्याम सुंदर, हाँ जी। वाह वाह, काम भी सुंदर है। हमारा ये आयुर्वेद का काम है। अच्छा, खानदानी काम है हमारा, कई सालों से चल रहा है, 200 साल पुराना रिकॉर्ड हमारे पास है सारे। उम्र तो कौन लगती है 200 साल की? ये तो खानदानी काम चल रहा है, वो किताबें हैं, वो किताबें ही तो लेके आए थे हमारे। अच्छा, मैंने 200 साल तो है, मैंने नहीं सोचा, वैद्य जी ने कहा 200 साल तो मैं इलाज करने लग रहा हूँ, ये सोचे नहीं जी। ये हमारा खानदानी काम है, 200 साल की पुरानी किताबें मेरे पास आज भी, रोहतक में रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। अच्छा, महाराजा रंजीत सिंह के टाइम की किताबें हैं मेरे पास। चलो रोहतक की भी पड़ताल करांगे। क्या नाम है वैद्य जी? मेरा नाम श्याम सुंदर है। श्याम बता दिया, श्याम सुंदर के नाम से मशहूर हूँ। अच्छा, मामने जानकारी का दी तो न्यू भी सुनने में आया कि भाई सिर पर हरियाली भी ले दो आप। देखो जी, जो जन्मजात बाल नहीं आते तो वो नहीं आ सकते। अच्छा, अच्छा। जो बाद में बाल झड़ते हैं उनको हम रोक सकते हैं, जैसे अमित शाह है, नहीं आ सकते उसके बाद। ये देखिए न्यूज़ सुनने में आई है, इसका माता थोड़े दिन पहले अमित शाह पर का था। दे जी, मेरे सारे उठ गए थे। देखो क्या नाम भाई? अशोक कुमार जीन से। नाम भी VIP ले रहे थे। तो अशोक भाई का सिर में जमाने सुक्का आ गया था, यानी के मतलब जो करो फसल बर्बाद हो जाएगा ना, जो करे नहीं हो गया था। हाँ जी, तो कितने फिर रिश्ते में दिक्कत आ रही थी? रिश्ता तो हो लिया जी, भाई जिन भाई यही रिश्ते ना होंगे हो, जिनका माथा चमकने लग गया हो, अमित शाह पर का माथा हो गया हो, तो उस खातर भी यू इलाज है। देखा रियाली के ऊपर इलाज पूरा भाई खतर बाड़ा का भाई। कितने दिन इलाज चल रहा? 3 महीने का कोर्स है। 3 महीने में आ गई रियाली है? 3 महीने। देखो सारे उठ गए थे, थोड़ा नीचे करके दिखाई भाई रहे एक बात आप डालिए थे सारे। अच्छा हाँ, देखो पूरे नहीं फसल आ रही जमा, पूरे बाल आ रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं, बैठो जी वैद्य जी और सीट पे, कुछ महंगे महंगे सवाल पूछ लिया बोला देवी और सजनो 9 करोड़ के लिए अगला सवाल। तो नहीं बताओ वैद्य जी, ये तो हो गया हरियाली का इलाज, उससे पहले डिस्क का इलाज करो आप, तो 200 साल हो गए, और कौन सी बीमारी के उनका इलाज करो? अमूमन जितनी भी पेट की बीमारियां हैं उन सब का इलाज हम करते हैं, जैसे गठिया है, हालांकि गठिया का इलाज कहीं भी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में उसका इलाज नहीं है, उसमें आर ए फैक्टर पॉजिटिव हो जाता है, और हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव कर देते हैं अपनी दवाइयां देके, 3 से 6 महीने लगते हैं। अच्छा जी। यूरिक एसिड है, गाउट है, उस गाउट का भी हम 3 से 4 महीने का इलाज करते हैं। अच्छा जी। और उसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जो हम दवाई देते हैं उससे फिर उसका यूरिक एसिड दोबारा नहीं बढ़ता। अच्छा। नहीं तो एलोपैथिक में सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ती है। अच्छा, कैंसर का भी सुनने में आई थी भाई, कैंसर का भी इलाज? कैंसर का इलाज होता है हमारे पास, पर वो थोड़ा लंबा होता है। अच्छा, 15 दिन में हमारी दवाई अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। अच्छा, कैंसर के ऊपर हम अपनी रस रसायन बनाते हैं। अच्छा, वो इस्तेमाल करते हैं रस रसायन? हाँ जी, वो रस रसायन पारे द्वारा बनाई जाती है, पारे के संस्कार करके। अच्छा, उसके हम संस्कार करने के बाद उसकी भस्में बनाते हैं। पारे की भस्म आपको पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों के पास मिलेगी। अच्छा, पारे के ऊपर हमने न्यू भी सुनने आई थी वैद्य जी, भाई पारे के ऊपर बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी, कोई शिवलिंग का बना? भारत के शिवलिंग बनाया, रोहतक के अंदर 3 शिवलिंग बने हुए हैं। अच्छा जी। एक डेरा लक्ष्मणपुरी, अच्छा जी, बाबा लक्ष्मणपुरी के यहाँ बना हुआ है, और दूसरा डॉक्टर धनवंतरी के यहाँ बना हुआ है। अच्छा, वो भी मेरे हाथ से बना हुआ है, 21 किलो का हैंडमेड है। हाँ जी। अच्छा, और तीसरा शिवलिंग करणपुरी के डेरे में पड़ा है। अच्छा जी। जो 11 किलो का है वो भी मेरे हाथ से बनाया गया है। अच्छा, 11 किलो का, और उसका साइज क्या है जी? जो उसका 11 किलो का साइज तकरीबन 8-1 इंच का है वो। अच्छा, पारे में काफी वजन हुआ है, तो दिखने में 8 इंच बिल्कुल मामूली सा साइज है, लेकिन उसके अंदर 11 किलो वजन है। और पारे को इस तरह से शोध करना और उसको किसी आकार में डालना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होगी। अभी मैंने दुशहरे में 1/4 शिवलिंग बनाया था। अच्छा जी। जो 1.25 किलो का करणपुरी ने ईश्वर शाह कलानौर का जो मानता ईश्वर शाह डेरा ईश्वर शाह उसके लिए बनवाया था, वो उसके यहाँ डेरे में स्थापित है। तो फिर वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले नहीं आए अब तो? ना, हमारे पास ऐसा कोई नहीं आया। चलो हम तो पहुँच गए।
तो मैं आपको छोटा शिवलिंग भी दिखाता हूँ, पर वो रोहतक में पड़े हुए हैं। आपके रोहतक पड़ताल कराएंगे जी, पहुँचाएंगे जी, दिखाएंगे आपके सामने, पारे को बांध के आपके सामने उसको कार देके दिखा दूंगा। अच्छा जी, हाँ जी। ले भाई, ये बड़ी दिलचस्प सी चीज है, और कैमरा मैन दिखूंगा वह हेल्पलाइन नंबर भी दिखा दे जिन पे वैद्य संपर्क किया जा सका है। ये श्यामी देखोगे तो इन नंबर पर तुम संपर्क करोगे। ये है भाई 97816 80710 70564 64647। तो ये हेल्पलाइन नंबर है जी, है? हाँ जी। अच्छा, ये रोहतक का नंबर ये नीचे है बिल्कुल। अच्छा, एक नीचे नंबर और दे रखे भाई, वैद्य श्याम सुंदर 94161 0 46 58। हाँ जी। तो इलाज की जिस तरह कई बार क्या हुआ है, देखो वैद्य क्या है कि प्राचीन भारत में तीन चीज़ें फरी हुआ कर दी, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय। आज तीनों की तीनों चीज़ें दुर्लभ भी होगी और महंगी भी होगी, तो चिकित्सा आपकी घनी महंगी तो नहीं? हमारी चिकित्सा कोई महंगी नहीं, जो आदमी पैसे नहीं दे सकता उसका हम फ्री में भी इलाज करते हैं। अच्छा, हाँ जी। बड़ी बात कह दी वैद्य ने भाई, जो गरीब हैं, असहाय हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, और भाई कैंसर जैसी घातक बीमारियां पर कौन है पैसा खराब कर लिया जिनने, उनके लिए निशुल्क इलाज की बात वैद्य जी ने कही है, तो यह बहुत बड़ी बात है। अब जैसे बीमारियां हैं, कहीं पेट की बीमारियां हैं, हम क्या करते हैं उसको एलोपैथी सिस्टम को साथ में लेके चलते हैं। एलोपैथी द्वारा हम उसके टेस्ट करवाते हैं, जैसे लीवर फैटी हो गया या लीवर के अंदर जो SGOT POT बढ़ गए हैं, जो लीवर अपने केमिकल रिलीज करता है वो बढ़ जाते हैं, ब्लूरोबिन बढ़ जाता है, हम उसको पहले LFT करवा लेते हैं, फिर हम अपनी दवाई देते हैं, मानो एक बोतल पिलाई हमने या अपनी 15 दिन की दवाई दी, उसके बाद फिर उसका टेस्ट कराते हैं। अच्छा, और उसको उसके बिल्कुल सामने रिपोर्ट आ जाती है कि लीवर ठीक हुआ या नहीं हुआ। जींद में कद मिलो? जींद में मैं मंगलवार को मिलता हूँ। मंगलवार को ले भाई, बजरंग बली का दिन है और मंगलवार को वैद्य परामर्श भी लिया जा सके है और दवाई भी ली जा सके है। कोई पेशेंट आ रहा है? अच्छा, ऐसे किसी की ऐसे हम पहले टेस्ट करवा लेते हैं। अच्छा जी। और जैसे जिसका जो ब्लूरोबिन वगैरह बढ़ा हो उसको फिर हम दवाई देते हैं और उसका फिर दोबारा करवाते हैं। यानी कि भाई पहले पूरी जांच पड़ताल करके बीमारी डायग्नोज करके उसके बाद ही इलाज शुरू हुआ है। तो ये बेरा पट गया, आगे आठ तक किलकियाँ की आवाज़ क्यों आवे थी, किसी का तो दर्द हो गया, जहाँ तक किलकी की आवाज़ आती कोई खुशी में किलकी मारे। तो और जब मन माने हमने पहले उसका टेस्ट करवाया, फिर हम उसको दवाई देंगे, फिर उसके बाद उसको टेस्ट करवाएंगे, फिर अपने आप उसको पता लग जाएगा। ऐसे ही आरए फैक्टर का भी हम कराते हैं, गठी का भी हम कराते हैं, यूरिक एसिड का भी कराते हैं। ऐसे ही जिन आदमियों में सिकराणु नील हो तो हम उनका पहले टेस्ट कराते हैं, सीमेन टेस्ट कराते हैं, उसके बाद दवाई देने के बाद फिर उसको टेस्ट करा के दिखाते हैं, देखो आप सीमेन में अगर कोई इन्फेक्शन है और आप कई सालों से परेशान है, नी संतान है, औलाद होने में कोई समस्या पैदा हो रही है, तो हम उसको टेस्ट कराने के बाद उसको रिपोर्ट दिखाते हैं अपनी, देखो भाई अपनी। चलो, वैद्य के दावे में कितना दम है वो अगली पड़ताल में भी बेरा पटेगा, रोहतक भी हम पहुँचाएंगे और कई सारे पेशेंट हमें दूर दूर तक आना भी शुरू हो गए हैं। क्या नाम है जी आपका? बबलिया जी। कितना आए आप? जींद से आए। जींद से पहले भी इलाज करवा आपने? हाँ जी सर। किस चीज़ का इलाज? मेरा उसका था लीवरशिप है। अच्छा, तो है आराम? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ सर मैं। क्या नाम बेटे? इसका नव्या नाम है। चलो, है इलाज में आराम है? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ सर मैं। चलो भाई, एक उदाहरण तो मिल गया, बाकी और उदाहरण की भी पड़ताल करेंगे। वीडियो न कर दो जिला के शेयर, शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि बीमारियाँ तो हो जाए आप दूर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।